वही जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं सहित सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है ताकि यात्रा को सुगम सुरक्षित संचालन किया जा सके। बता दें कि इसके लिए पूरे जनपद को 3 सुपर जोन, 8 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके तहत ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने बताया कि केदारनाथ धाम की यात्रा का आगाज हो चुका है और 10 मई को कपाट खुलते ही यात्रा विधिवत शुरू हो जाएगी। इसके लिए रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। देखिए, केदारनाथ यात्रा जो है 10 मई को प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए पुलिस ने जो है विभिन्न तैयारियां की है। इसमें संपूर्ण हमारा जो जनपद रुद्रप्रयाग है उसको 3 सुपर जोन, 8 जोन और 27 सेक्टर्स में बांटा गया है। ट्रैफिक की दृष्टिगत भी जो हमारा रुद्रप्रयाग जनपद है उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में जो है बांटा गया है। इसमें संबंधित सीओ रुद्रप्रयाग हमारी यात्रा के ट्रैफिक के जो है नोडल रहेंगे और वो ट्रैफिक को ट्रैफिक के जो TI है, सब इंस्पेक्टर है, उनको जो है इसमें भली भांति मार्गदर्शन भी करेंगे और यात्रा में जहाँ भी ट्रैफिक की समस्या आती है, जाम की स्थिति बनती है, उसको जो है खुलवाने की यहाँ पे जो है प्रयास करेंगे।